अभी एक आपके चाचा का बयान आया है कि आप उनके भतीजे नहीं हैं, खून नहीं है। दिक्कत तो ये है कि उन्होंने कभी अपना माना ही नहीं, अपना मुझे वो मानते तो शायद मुझे इन परिस्थितियों में वो नहीं ढकते। बहरहाल उनके कहने से चीज़ें नहीं होंगी, खून तो उन्हीं का ही है। या तो वो कहें कि वो मेरे पिता के भाई नहीं है, भाई वही परिस्थिति बन सकती है कि मैं उनका भतीजा नहीं हूँ। बट बहरहाल इन सब चीज़ों से अब हम लोग बहुत आगे निकल गए और मुझे लगता है उनको भी ध्यान ज़्यादा केंद्रित अपने कार्यों पे करना चाहिए। केंद्रीय मंत्री होने के नाते एक बड़ी जिम्मेदारी है उनके पास, सांसद होने के नाते, एक पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते। हर चीज़ में सिर्फ चिराग पासवान का जिक्र करना मुझे नहीं लगता कि उन्हें शोभा देता है। बड़ी जिम्मेदारियाँ हैं उनके पास, उन जिम्मेदारियों के निर्वाहन करें, उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें। एक सवाल है सर कि यहाँ पे जो दंगे हुए हैं बिहार में, वो जो अभी सत्ता में लोग हैं वो विपक्ष पे निशाना साध रहे हैं, कह रहे हैं कि उन्हीं की वजह से हुए हैं। भाई जिन्होंने भी किए पकड़िए ना, पूरी कानून व्यवस्था आपके पास है ना, ये जिम्मेदारी भी आप ही की बनती है कि आप बताएं तथ्यों के साथ कि किसने साजिश रची। बहरहाल सवाल तब खड़े होते हैं जब कानून व्यवस्था आपके अंतर्गत होने के बावजूद उन साजिशों का आप खुलासा नहीं कर पाते, उसको अमल कर दिया जाता है, तो कहाँ है आपका खुफिया तंत्र, कहाँ है आपका इंटेलिजेंस? आपके पास ये तमाम जानकारियाँ क्यों नहीं पहले आईं कि इस तरीके की साजिश रची जा रही थी? तो कहीं ना कहीं ये आपका फेलियर तो है, बिहार सरकार का ये फेलियर है। और ऐसे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की प्राथमिकताएं भी दिखती हैं। आज जब बिहार जल रहा है तो ऐसे में उनकी प्राथमिकता अलग है। उनकी प्राथमिकता इफ्तार की पार्टी देना है, उनकी प्राथमिकता लाल किले के सामने अपनी तस्वीर खिंचवाना है, उनकी प्राथमिकता दिल्ली जाकर अपने आप को प्रधानमंत्री पद का दावेदार बनाना है। ऐसे में बिहार जल रहा है, बिहारी परेशान है, इस बात से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ा। अमित शाह बिहार आते हैं, कहते हैं कि हम 40 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे, उसके बाद आप भी कहते हैं कि हम भी लड़ेंगे, और इफ्तार पार्टी में जाते हैं जो RJD का है तेजस्वी यादव, और ये अब कहा जा रहा है कि क्या शायद आपका रुख तेजस्वी RJD की तरफ हो। भाई आपने बहुत चीज़ों का मिश्रण कर दिया है, इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं नहीं जितना आपने उसको बना दिया है। भाजपा 40 सीटों पे लड़े नहीं लड़े इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बट हाँ मेरी जिम्मेदारी है पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते कि मैं बिहार में कम से कम अपने संगठन को हर सीट पर मजबूत करूँ। लोकसभा की बात करें तो 400 सीट पर, विधानसभा की बात करें तो 243 सीटों पर। ये मेरी जिम्मेदारी बनती है, ना सिर्फ इसीलिए कि जहाँ से मैं चुनाव लड़ूँ उसी का ही लाभ हम लोग को मिले, अगर गठबंधन में भी कोई घटक दल किसी दूसरी सीट से चुनाव लड़ रहा है तो उसको भी उसका लाभ मिलना चाहिए। इस सोच के साथ हम लोग 400 सीटों पर लोकसभा की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। और जहाँ तक रही बात मेरी राजद के इफ्तार में जाने की, भाई पुराना संबंध मेरे परिवार का आदरणीय लालू जी के परिवार के साथ रहा है, पहली बार नहीं गया, हर साल जब जब उनके यहाँ इफ्तार हुआ है गया हूँ। मुझे व्यक्तिगत और राजनीतिक संबंधों को अलग रखना सिखाया गया है, वो एक व्यक्तिगत कारण, व्यक्तिगत रिश्ते उस परिवार से रहें जिस वजह से मैं वहाँ पे गया था, उसके राजनीतिक मायने निकाले जाए मुझे लगता है ये उचित नहीं। किसी त्यागी आपको आने का न्योता दिए हैं कि आप महागठबंधन में आ जाइए? भाई ये बात मैं शुरू से इसको मैंने स्पष्ट रखा हुआ है कि गठबंधन किसके साथ होगा नहीं होगा ये चुनाव के बाद ये फैसला लिया जाएगा। अभी प्राथमिकता अपने संगठन को मजबूत करना, अपने जनाधार का विस्तार करना है, प्राथमिकता भी गठबंधन नहीं है, चुनाव के वक्त ये फैसला। क्या मनीष का सर इन्हें लगाना चाहिए?